कब है नरक चतुर्दशी, इस दिन यम दिया जलाना क्यों जरूरी। जाने हुए दी मुहूर्त महत्व, दीपावली का त्योहार आने वाला है। वहीं दीपावली के एक दिन पहले छोटी दीपावली मनाई जाती है, इस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। माना जाता है कि इस दिन यम के नाम से दिया जलाना शुभ होता है और नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। धनतेरस की एक दिन बाद और दीपावली के एक दिन पहले छोटी दीपावली मनाई जाती है। हर साल छोटी दीपावली कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल 30 अक्टूबर छोटी दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन संध्या के समय मृत्यु के देवता यम के नाम से दिया भी जलाया जाता है। दिया जलाने से परिवार के सदस्य से अकाल मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। कब शुरू होगी चतुर्दशी तिथि? पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 30 अक्टूबर सुबह 11:23 से हो रहा है। इसका समापन 31 अक्टूबर दोपहर 2:53 पर होगा, क्योंकि चतुर्दशी तिथि में संध्या के समय यम दिया जलाया जाता है और यम देवता की पूजा की जाती है, इसलिए नरक चतुर्दशी 30 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। यम दिया जलाने का मुहूर्त, ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि यम दिया गोधूली बेला के समय जलाया जाता है, यानी न शाम में न ही रात में। इस साल यम दिया जलाने का शुभ मुहूर्त 30 अक्टूबर की शाम 5:30 से 7 तक है। यम दिया जलाने के नियम, नरक चतुर्दशी के दिन घर की दक्षिण दिशा में सरसों तेल का चौमुखी दिया यम के नाम से जलाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों में अकाल मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है, परिवार में रोग कष्ट दुख समाप्त हो जाता है। प्यारी बहनों, प्यारे पाठकों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसमें कोई गलती हुई हो तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स पर जाकर अवश्य बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।